हेलो एवरीवन, आई एम दुर्विश्री साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएसई डिपार्टमेंट फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंदौर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इन बी फिफ्थ सेम सीएसई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, वो हमारा क्या था? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा है ना। उसमें हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में होता क्या है। एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या है, पार्ट है। ठीक है, दोनों ये क्या है, टाइप्स है। तो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप्स हम लोग को देख लिए थे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या डिटर्मिनिस्टिक मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमारा क्या है, सिलेबस का टॉपिक नंबर 4 है ना। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक, तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है आपका, ये जस्ट आपका क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का अपोजिट है ना। तो जैसे कि हमें बता दिया था पहले, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या है, क्या कैसे वर्क कर रहे हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इन NDFA, हम इसको शॉर्ट में अब क्या कर सकते हैं, NDFA लिख सकते हैं। ठीक है, इन NDFA फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट सिंबल द मशीन कैन मूव टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स इन द मशीन। ठीक है, तो उसमें बोल क्या रहा है, पर्टिकुलर इनपुट सिंबल। ठीक है, हम लोग किसी भी एक क्या है NDFA में, क्या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या करते हैं, सिंगल इनपुट यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल इनपुट सिंबल जो कहता है, एक स्टेट में क्या है, केवल एक सिंगल इनपुट को लेकर हम लोग दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, उसी इनपुट को लेकर हम लोग फिर तीसरे स्टेट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हम लोग वो सिंगल इनपुट लेके हम लोग एक से ज्यादा मशीन, एक से ज्यादा स्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं मशीन को। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। In other words, the exact state to which the machines moves cannot be determined. Hence, it is called non-deterministic automata. ठीक है, तो मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, कि बोल ये रहे हैं कि जो स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन जो हमारा मशीन है वर्क कर रहा है, तो उसमें हम लोग जो इनपुट लेके जा रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो क्या करते हैं, मूव कराते हैं, है ना। उसको कहते हैं, पता नहीं रहता है कौन से उसमें हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग सेल्फ भी लेके जाते हैं और उसी इनपुट को यूज करके हम लोग अदर स्टेट में भी जाते हैं। ठीक है, कौन से हमको स्टेट का पता नहीं है, एग्जैक्ट स्टेट हमको अगर दे भी दिया तो हम उसमें जा रहे हैं कोई भी हमारा मूव करके, तो हमको वो पता है ना, तो वहां से वो गया, उसके बाद हमको, उसके बाद और बहुत सारा स्टेट में चला गया वो इधर से उधर, तो वो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट अगर यूज करें तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बट एग्जैक्ट हमको पता है कि इस स्टेट में ही जाना है, तो वो क्या कर सकता है, मशीन मूव्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, मशीन को हम लोग कहाँ मूव करा रहे हैं, कौन से स्टेट में लेके जा रहे हैं, हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। अब फाइनाइट स्टेट में ये वर्क हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन NDFA कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 tuples। हम लोग ने ये देखा फाइनाइट ऑटोमेटा में भी हमारा क्या है, 5 tuples है। आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपका क्या है, 5 tuples है। अब बात आता है किसका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें भी हमारा क्या हो यूज होगा, 5 tuples, क्यू सिग्मा डेल क्यू जीरो एंड एफ, वेयर क्यू इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्यू क्या होता है, हमेशा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, मतलब कितना स्टेट उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारा काउंट होके किसमें आता है, क्यू में। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड द अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। उसमें हमारा क्या आता है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स क्या होता है, यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। ठीक है, डेल आपका क्या, किसके लिए यूज होता है, ट्रांजिशन फंक्शन के लिए। मैंने बताया था पहले ही, डेल आपका ट्रांजिशन फंक्शन के लिए यूज होता है।
यहीं पे आपको पता चलता है, ट्रांजिशन फंक्शन में ही आपको देख के पता होना चाहिए कि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन फंक्शन था तो उसमें क्या था, डेल क्यू क्रॉस सिग्मा इज टू क्यू, केवल एक क्या था उसमें, एक यूनिकनेस रहता है, केवल वो एक स्टेट में एक ही इनपुट लेके जाएगा, है ना, एक इनपुट लेके वो एक स्टेट में जा सकता है। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या दिया है, डेल क्यू क्रॉस सिग्मा इज टू 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 द पावर क्यू, मतलब वो स्टेट दो या दो से अधिक स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है, मतलब एक इनपुट को लेके वो दो स्टेट में मूव करा सकता है मशीन को, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। यही डिफरेंस है क्या मेन आपका डिटर्मिनिस्टिक में और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है, समझ में आया। हियर द पावर सेट ऑफ क्यू टू टू द पावर क्यू हैज बीन टेकन बिकॉज इन केस ऑफ एन डी एफ ए फ्रॉम स्टेट ट्रांजिशन कैन ऑकर टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू स्टेट्स, ठीक है, समझ में आया, जो मैंने अभी बताया वो क्या है उसी को बोल रहा है, ठीक। फिर क्या था, क्यू जीरो क्या था, आपका इनिशियल स्टेट रहता है, ठीक है, फ्रॉम एनी वे एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड क्यू जीरो बिलोंग्स टू क्यू, ठीक, समझ में आ रहा है कि जो क्यू जीरो वो क्या है, इनिशियल स्टेट है, और एफ क्या होता है आपका, हमेशा फाइनल स्टेट, जो क्या था डबल आर्क में आपका रहता है, ठीक। फिर कहता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो तो हम लोग का क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन था, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको ग्राफिक्स वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसको, एनडीएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। तो एन एनडीएफए इज रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राफ कॉल्ड स्टेट डायग्राम, द वर्टाइसेस रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ठीक है, वर्टाइसेस जो जैसा हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने देखा वैसा ही सेम एज आपका क्या है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, ठीक है, फर्स्टली द वर्टाइसेस रिप्रेजेंटेड द स्टेट्स, सेकेंडली आपका क्या है द आर्क्स लेबल्ड विद एन इनपुट अल्फाबेट, सो द ट्रांजिशन द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय एन एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क, ये भी हमने वही पढ़ा है ना, द फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल्स, जो डबल सर्कल्स में आपका वो फाइनल स्टेट हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एनडीएफए वर्क कैसे करता है, ठीक। लेट अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बी क्यू इक्वल्स टू ए बी सी, इसमें भी क्या है तीन स्टेट दिया हुआ है, सिग्मा इज अल्फाबेट, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू जीरो और वन, जीरो और वन के फॉर्म में हमको क्या मिला है इनपुट, ठीक है। फिर आपका आता है क्यू जीरो, क्यू जीरो हमको पता है कि क्या होता है इनिशियल स्टेट, फर्स्टली जहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्राम ये टास्क, ठीक, तो क्यू जीरो क्या है इनिशियल स्टेट, तो इसमें इनिशियल स्टेट क्या है ए, फाइनल स्टेट आपका सी, जो कि क्या किसमें रहेगा डबल आर्क में रहेगा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देन ट्रांजिशन, हमको ट्रांजिशन फंक्शन दिया होगा या तो डायग्राम्स दिया होगा, उसके थ्रू हमको समझना है, ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू हमको क्या बनाना है स्टेट डायग्राम बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया हुआ है डेल इज सोन बिलो फर्स्ट ही प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट जीरो, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट वन, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में क्या है आपका ए बी और सी, ए क्या रहा है जीरो इनपुट लेके कहां जा रहा है स्टेट ए और बी, ठीक है, पहले सेल्फ मूव कर रहा है, उसके बाद किसमें मूव कर रहा है स्टेट बी में, ठीक है, यहाँ पे दो दिया हुआ है, वहां हम लोग सिंगल पढ़ते थे डिटर्मिनिस्टिक में, याद है, ठीक है, तो वो चीज क्या है डिफरेंस है। फिर क्या आता है वन इनपुट लेके कहां जा रहा है ए आपका बी में मूव कर रहा है, स्टेट बी में मूव कर रहा है, ठीक है, वैसे ही आपका बी जो है जीरो इनपुट लेके आपका जो स्टेट सी में मूव कर आ रहा है, अब वन इनपुट लेके आपका कहां जा रहा है स्टेट ए में और स्टेट सी में मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है स्टेट सी जो है जीरो इनपुट लेके स्टेट बी और स्टेट सी में क्या होता है मूव करा रहा है, और जीरो वन इनपुट लेके कहां कर रहा है सेल्फ जा रहा है, ठीक है, मतलब सी स्टेट में मूव करा रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या देख सकते हैं, इसका क्या देख सकते हैं, अभी हम उसका डायग्राम देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वुड बी एस फॉलो, ठीक है, हम उसका ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ आंसर, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था उसका क्या है आंसर बोल सकते हैं उसको, ठीक। तो इसमें दिया हुआ है जैसे हम लोग क्या देखे थे ए जो है जीरो इनपुट लेके कहां कहां जा रहा है आपका इधर था ए और बी स्टेट ए और स्टेट बी में, ठीक है, तो इसमें देखते हैं जीरो इनपुट लेके कहां जा रहा है एक तो सेल्फ जा रहा है ए और जीरो लेके कहां जा रहा है स्टेट बी पे,
ठीक है। फिर आता है आपका बी स्टेट पे। बी स्टेट में क्या होता है, आपका जीरो इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है, ठीक है। तो बी जो है जीरो इनपुट लेके सी में जा रहा है, ये यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे क्या है, सी स्टेट है, ये डबल आर्क में दिख रहा है, मतलब फाइनल स्टेट है आपका सी, ठीक है। तो ये सी में जा रहा है कौन, बी जीरो लेके। और वैसे ही अब क्या है, वन लेके कहाँ जा रहा है, इसमें, ठीक है, सी में, स्टेट सी में बी, ठीक है। अब बात आती है स्टेट सी की, स्टेट सी जो है जीरो लेके कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, स्टेट बी में। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, देखो बी में जा रहा है और सेल्फ जा रहा है ना, और वन इनपुट लेके कहाँ जा रहा है, सेल्फ जा रहा है, मतलब सी में ही, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जीरो और वन लेके सेल्फ जा रहा है, और एक जीरो लेके आपका कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, ठीक। तो इस टाइप का क्या रहता है, आपका स्टेट डायग्राम रहता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नॉन डिटर्मिस्टिक ऑटोमेटा में क्या आता है, आपका एक इनपुट लेके दो स्टेट में हम लोग को क्या, दो या दो से अधिक स्टेट में हम लोग मूव करा सकते हैं। अब बट क्या रहता है, आपका जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें हम लोग क्या रहता है, यूनिकनेस रहता है, उसमें हम लोग एक ही इनपुट लेके